Assalamualaikum and good morning students, how are you all? I know that you all are mashallah very well and spending your day with a lot of blessings of Allah and doing well and be very kind with your family members and helping your mother and sisters at the home. So now I'm going to read New Oxford Modern English Book 1. As you know, we were reading the chapter number 6, The Drone, and we read the half of the chapter and I'm going to complete this chapter for you. So let me tell you that once again we will underline the dictation words and you have to read them carefully and learn them carefully. So हमने पढ़ा था कि वासिफ के बाबा उसके पास एक ड्रोन लेके आए थे जिसपे चार छोटे छोटे फैंस लगे हुए थे जो कि वायर की मदद से थे. उसके ऊपर कैमरा था जिससे पिक्चर्स भी बनती थी, वीडियोज भी बनती थी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसको यूज़ करने के लिए. फिर उसके बाबा अपना फ़ोन लेने जाते हैं. उसके बाद वो उसको कहते हैं कि तुम इसे पकड़ो, मैं फ़ोन लेके आता हूँ. तो वो पूछता है ऐसा क्यों है. तो फिर उसके बाबा उसको जवाब देते हैं, वी यूज़ द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन, सेट डैड, प्रेस अ नंबर एंड द ड्रोन विल वर्क. फिर वासिफ के बाबा उसको बताते हैं कि हम ड्रोन को कंट्रोल करते हैं सेल फोन की मदद से, हम एक नंबर दबाते हैं और ड्रोन काम करता है. डैड शोड वासिफ अ पीस ऑफ पेपर. वो वासिफ को कागज़ का एक टुकड़ा दिखाते हैं जिसपे नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप देखें बच्चों डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, 1 up 2 down 3 left 4 right 5 forward 6 back. ये सारी डायरेक्शंस हैं बच्चों जो वासिफ के बाबा उसको बता रहे हैं कि इन बटन्स के साथ हम ड्रोन को अप डाउन लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं. डैड एंड वासिफ पुट द ड्रोन ऑन द रोड. डैड प्रेस सम नंबर्स. डैड और जो वासिफ के बाबा और वासिफ जो ड्रोन को लेके रोड पे आ जाते हैं और जो वासिफ के बाबा हैं वो कुछ नंबर्स प्रेस करते हैं. द ड्रोन बस्ट. ड्रोन में से बजिंग की आवाज़ आती है. इट वेंट अप इन टू द एयर. और वो हवा में ऊंचा हो जाता है. लुक लुक सेट डैड. अबाजन कहते हैं देखो देखो. ही शोड वासिफ द वीडियो ऑन द फोन. और साथ ही वासिफ को वो फ़ोन पर इसकी वीडियो दिखाते हैं. अगर आप बच्चों नीचे देखें ना पेज नंबर 51 पे तो आपको पिक्चर भी नजर आएगी जहाँ पे ड्रोन अब काम कर रहा है. वासिफ और उसके बाबा बहुत शौक से इसको काम करते हुए देख रहे हैं. अगर आप पिक्चर्स को भी साथ साथ देखेंगे तो आप उसको मज़े से पढ़ सकेंगे. He could see the trees and all the roofs. वो देख सकते थे गलियाँ, दरख्त और बहुत सारी छतें जो उस ड्रोन की मदद से वो देख सकते. जो ड्रोन है वो बहुत ऊंचा उठता है तो उसकी मदद से हम नीचे नजर आने वाली सारी चीज़ें आसानी से देख सकते हैं. अगर आप कभी भी आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप किसी बिल्डिंग पे बहुत ऊपर जाते हैं तो आपको घरों की जो रूफ्स होती हैं, छतें होती हैं, दरख्त नज़र आते हैं, ऐसे ही जब उन्होंने ड्रोन को ऊपर किया तो उन्हें ऐसी बहुत सी चीज़ें नज़र आईं. वासिफ क्लैप्ड एंड शाउटेड. वासिफ तालियां बजाता है और खुश होता है. डैड स्माइल्ड. उसके बाबा मुस्कुराते हैं. स्टॉप शाउटेड वासिफ. गो बैक टू दैट ट्री. रुकें, इस वापस इसको उसी दरख्त की तरफ ले जाएं, वासिफ कहता है. आई सॉ समथिंग देयर. मैंने वहाँ कुछ देखा है. डैड प्रेस सिक्स. डैड सिक्स का बटन दबाते हैं. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था सिक्स बैक है. सिक्स का मतलब है कि हम वापस उसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ से वो वहाँ तक पहुँचा था. आई कैन सी शीबा ऑन अ ब्रांच. मैंने शीबा को एक ब्रांच पे देखा है. सेट वासिफ. वासिफ ने कहा शी कांट कम डाउन. वो नीचे नहीं आ सकती. डैड लैंडेड द ड्रोन एंड वासिफ गॉट अ टॉल लैडर. जो उसके बाबा हैं वासिफ के वो ड्रोन को नीचे लेके आते हैं और वासिफ जाके एक लंबी सीढ़ी लेकर आता है. डैड क्लाइंब अप एंड ब्रॉट शीबा डाउन. डैड सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं और शीबा को नीचे लेकर आते हैं. शीबा वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश थी. शी म्यूड एंड म्यूड. वो फिर म्याऊ म्याऊ करती है खुशी से. दैट इज़ अ ग्रेट मशीन सेट वासिफ. ये बहुत अच्छी मशीन है. वासिफ खुश होकर अपने बाबा जान से कहता है. ओके बच्चों, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन फ्यू डिक्टेशन वर्ड्स फॉर यू. आई डिडंट अंडरलाइन दम बिफोर सो आई कैन टेल यू द इजीली द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज वेल. आपने पिछले डिक्टेशन वर्ड्स और इन सबको मिला के अपनी नोटबुक्स पर नाइसली एंड नीटली राइट करना है. फर्स्ट वर्ड इज प्रेस. प्रेस का मतलब होता है दबाना. वर्क काम. सम कुछ. एयर हवा. रूफ छत. जी बच्चों, आपने इन वर्ड्स को अच्छी तरह से मेमोराइज करना है अपनी नोटबुक पे, पिछले डिक्टेशन वर्ड्स को भी, और इनको भी नीटली एंड नाइसली राइट करना है, मेमोराइज करना है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज फॉर यू. आपको जैसे पता है पहले हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी. हमने वर्ड्स, हमने सेंटेंसेस को ऑर्डर में लिखा था. आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है बच्चों, जो कि सेंटेंसेस हैं और जिनको आपने अपनी नोटबुक्स पे भी एज वेल लिखना है. पहला वर्ड है ड्रोन. ड्रोन का सेंटेंस हम बच्चों क्या बना सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा सोचें. तो अभी हमने रीडिंग भी की है. आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ न्यू ड्रोन. ये एक नया ड्रोन है. नेक्स्ट वर्ड है लैडर. लैडर का मतलब होता है सीढ़ी. आप कह सकते हैं इट इज़ अ लॉन्ग लैडर. ये एक लंबी सीढ़ी है. लैंडेड. लैंडेड का मतलब है नीचे उतारना. डैड लैंडेड द ड्रोन. अबा जान ने ड्रोन को नीचे उतारा.
ज्वाइंट का मतलब होता है मिलना, किसी के साथ शामिल होना. सो यू कैन से दैट शीबा ज्वाइंट देम, शीबा उनके साथ आके मिल गई. जी बच्चों, ये जो आपको मैंने सेंटेंसेस बताए हैं, आपको इन्हें नोटबुक्स पे लिखना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, और रीडिंग को बार बार सुनना है ताकि आपको अच्छे से वर्ड्स मेमोराइज हो जाएं. एंड ट्राई टू रीड विद अ फुल वर्ड सिलेबल के साथ वर्ड्स पढ़ें और अपनी रीडिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों. इट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़.